अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कांडी की रेसिपी, जो आप मेरे तरीके से बनाई है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। यहाँ पे हम बोनलेस चिकन ले लेंगे और उसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लेंगे। ये आधा किलो बोनलेस चिकन है। अब यहाँ पे हम थोड़ी पुदीना और थोड़ी सी हरी धनिया ले लेंगे। इसमें जो है चिकन में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और हरी मिर्ची भी ले लेंगे, हरी मिर्ची जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। हरी मिर्ची भी डाल देंगे इसी में। अब इसे हम चिकन में डाल देंगे। अब इसमें एक नींबू का रस भी डाल देंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, इसे भी हम मिक्स करके ले लेंगे। और इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चिकन में मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे बाद अब हम इसे कांडी में चिकन को हम डालते जाएंगे। जितने पीसेस आप डालना चाहते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। इस तरीके से डाल देंगे, 3 से 4 पीस डाल देंगे। और इसी तरीके से हम सारे चिकन को रेडी करके ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे सारे चिकन रेडी है। अब यहाँ पे हम ब्रेड क्रम ले लेंगे और एक अंडे को फेंट के ले लेंगे। अंडे में जो है हम नमक और काली मिर्ची पाउडर डाल के फेंट के लेंगे। अब इसे हम ये जो कांडी रेडी किए थे चिकन की, अब इसे हम पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इसके ऊपर हम अच्छे से ब्रेड क्रम लगा के ले लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम सारे चिकन को रेडी करके ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे सारे चिकन रेडी है। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करके ले लेंगे। जब ये हल्का सी लाल होने लगे तो हम इसे पलटते जाएंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। मीडियम गैस पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ये लाल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा कलर आता है इसमें। अब यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के चिकन को भी इसी तरीके से हम फ्राई करके ले लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे चिकन जो है फ्राई करके रेडी है।
आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, अपने घर पे ज़रूर बनाइए। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।